हाय गाइस, वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसे स्टॉक्स जिसमें कि आप अच्छी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो गाइस, मैं आपके साथ टू स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न्स भी प्रोवाइड करा सकती है, जो कि डेफ्ट फ्री स्टॉक्स है। तो गाइस, आपके लिए कहीं ना कहीं यह स्टॉक अच्छी हो सकती है, आप खुद के एनालिसिस के साथ इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो गाइस, सारी डिस्कशन में आपको लाइव चार्ट पे भी कंफर्म कराने वाला हूँ और कुछ पॉइंट्स भी आपको क्लियर कराने वाला हूँ जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, इस स्टॉक में आप बाइंग करना चाहिए आपको या फिर नहीं, यानी कि आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो इस तरह के पॉइंट्स के साथ आपकी कंफर्मेशन क्लियर हो सकती है। तो हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि रेगुलरली इस तरह के वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करता हूं वो आपको मिलते रहेंगे और कन्फर्मेशन के बाद आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने जो है पशुपति एयरकॉन लिमिटेड का चार्ट लगा रखा है। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट जो है ये अभी 0.66% से ये पॉजिटिव देखने को मिला, यानी कि ये 30.4 रुपीज़ पे ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे फोकस करें तो आप देख सकते हैं इसका जो है मार्केट कैप 271 करोड़ की देखने को मिल रही है। तो गाइस, ये एक अच्छी हो सकती है न्यूज़ कि ये 100 करोड़ से प्लस में पॉजिटिव में नज़र आ रहा है, यानी कि इसकी मार्केट कैप कहें तो काफ़ी अच्छी इसकी प्राइस के अनुसार, यानी कि इस स्टॉक के अनुसार देखने को मिल रही है। तो करेंट प्राइस जैसा कि मैंने आपको बताया 30.4 की देखने को मिल रही है। हाई प्राइस जो अगर देखेगा इस, तो नज़दीकी का जो हाई इसने अभी तक बनाया है वो 44.6 का देखने को मिल रहा है। अगर इसकी बात करें लो प्राइस की, तो जहाँ से इसने मूवमेंट दिया वो 22.4 का इसने मूवमेंट प्रोवाइड किया है, लो का प्राइस यहाँ पे ये शो करा रहा है। तो गाइस, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी स्टॉक हो सकती है, क्योंकि अब लो प्राइस से भी सिग्नल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बुलिश का भी सिनेरियो दिख रहा है और हाई प्राइस भी देखें तो काफ़ी ऊपर है, तो एक बड़ी प्रॉफिट आपको इसमें मिल सकती है अगर आप बाइंग करते हैं। तो गाइस, बाई आप खुद के एनालिसिस के बाद ही करें। मैं आपको कुछ पॉइंट्स और डाउट्स आपकी कुछ कंफर्मेशन क्लियर करा रहा हूं जिससे कि आप कंफर्म बाइंग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये स्टॉक पी अगर देखेगा इस, तो यहाँ पे 10.4 की देखने को मिल रही है, जो कि अगर देखें तो गाइस कहीं ना कहीं आपको ये सस्ती देखने को मिल रही है, तो अच्छी आपके लिए हो सकती है। बुक वैल्यू देखें तो गाइस 35.4 की देखने को मिली। डिविडेंड फिलहाल आपको 0% का दे रहा है। अगर इसको ROCE को देखें गाइस, तो इसका ROCE 17.5% का देखने को मिला और ROE देखें तो 12.1% का देखने को मिला, जो कि तो गाइस कहीं ना कहीं अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू भी देखें तो 10 रुपीज़ का इसका फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो गाइस, ये स्टॉक आपके लिए लगभग मच बेटर हो सकती है, आप इसमें कन्फर्मेशन के साथ बाइंग करें। खुद के एनालिसिस बहुत ज़रूरी है गाइस, आप अपने अनुसार ही रिस्क और रिवार्ड लगा के ही आप इस स्टॉक को बाई करें। नेक्स्ट देखेगा इस, तो यहाँ पे इसका प्रमोटर होल्डिंग की अगर भी बात करें तो गाइज यहाँ पे 65.9% की प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिली, यानी गाइज का है तो लगभग 50% से आपको ये पॉजिटिव देखने को मिला, यानी कि 50% से ऊपर है। तो गाइज कहीं ना कहीं ये स्टॉक में प्रमोटर्स ने अपनी पकड़ बना रखी है। इंडस्ट्री पी की बात करें गाइस, तो यहाँ पे 15.6 का देखने को मिला। रिटर्न्स ऑन इक्विटी देखेगा इस, तो यहाँ पे 12.1% की रिटर्न्स भी ये दे रही है। और देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये स्टॉक डेप्थ फ्री है, जो कि आप देख सकते हैं 0% की यहाँ पे डेप्थ देखने को मिले। तो गाइस, ये एकदम बिल्कुल डेप्थ फ्री है, आप इसमें कंफर्मेशन के तौर पे अपने बलबूते पे ये स्टॉक खड़ा है। तो गाइस, आप इसमें बेझिझक करना चाहते हैं इन्वेस्ट तो आप कर सकते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग 10.4 का रहा है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 0.87 का देखने को मिल रही है। प्रमोटर्स होल्डिंग के बाद गई अगर इसकी पब्लिक होल्डिंग भी देखें तो 33.9% की पब्लिक होल्डिंग भी देखने को मिल रही है। कुछ फॉरेन इन्वेस्टर भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो कि 0.03% का फॉरेन इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। अगर DII की बात करेगा इस, तो DII की भी होल्डिंग जो है 0.21% की देखने को मिल रही है इस स्टॉक के अंदर। तो गाइस कहीं ना कहीं अच्छी आपको यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर और DII भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए थोड़ा प्रॉफिट पे नज़र डालें। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी प्रॉफिट जो है 26.2 करोड़ की आपको यहाँ पे आफ्टर टैक्स इस स्टॉक की प्रॉफिट देखने को मिली। तो गाइस, ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया आपके लिए हो सकता है। दर अंदर गाइस अगर बात करें तो ईयर एंड ईयर आपको यहाँ पे इसकी मार्केट कैप लगभग बढ़ती नज़र आ रही है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसकी नज़र डालते हैं इसका जो है पीई क्या देखने को मिल रहा है चार्ट के अनुसार। तो गाइस आप देख सकते हैं इसका पी जो पहले रहा था 5 ईयर के, मैं चार्ट के अनुसार कंफर्म करा रहा हूँ, 14.4 का रहा था और EPS जो है 1.24 का रहा था। तो गाइस अभी अगर देखें तो काफ़ी नीचे इसका पी गया था और उसके बाद अभी भी जो है ये 10.3 का देखने को मिला। तो गाइस कहीं ना कहीं देखें तो ये लो प्राइस से भी काफ़ी अप है और हाई प्राइस से भी नीचे है। तो गाइस एक सिग्नल आपको यहाँ से बाइंग के प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप जो लोग बाई नहीं कर पाए हैं इधर, यानी कि डाउन के टाइम में, उनके लिए भी एक अच्छी मौके अभी हो सकते हैं। बाई करने चाहते हैं तो कर सकते हैं और EPS भी आप देख सकते हैं 2.94 का देखने को मिला। तो गाइस कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपके लिए अच्छा हो सकता है, आप इसमें कंफर्म बाइंग कर सकते हैं।
चलिए मैं आपको थोड़ा चार्ट पे भी इसका कंफर्मेशन क्लियर करता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं चार्ट पे भी जो है यहाँ पे क्लियरली एक फ्लैग बनता नज़र आ रहा है, जैसा कि मैं आपको कंफर्म कराऊँ कि तो गाइज यहाँ पे फ्लैग जो दिख रहा है आप देख सकते हैं इधर गया, उधर से बाद देखेगा इस तो यहाँ से डाउन आ रहा है, फिर से इसमें आपको दिखा तो गाइज वापस से ये एक तरह से देखें तो फ्लैग बनता नज़र आ रहा है। और गाइज यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन के तौर पे नज़र आ रहा है, यहाँ से अगर मूव करता है इसको ब्रेक करता है तो एक बड़ी टारगेट आपको इधर तक की मिल सकती है, लगभग गाइज 60 रुपीज़ का एक टारगेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये 60 रुपीज़ के टारगेट तक ये स्टॉक अब जा सकती है, तो आपको इसमें फोकस बनाए रखना होगा। गाइज अगर देखें तो जिस अनुसार ये फ्लैग बन रहा है और यहाँ पे जो एक बन रहे हैं ये ट्रेंड लाइन, उसके उसी के अंदर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है काफ़ी टाइम से, और अभी देखें तो गाइज उसी यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर निकलता है तो गाइज एक कंफर्मेशन के तौर पर 31 का वेट करें, अगर इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आए तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। तो गाइज चांसेस अभी आपको 1 वीक के कैंडल के साथ यहाँ पे बुलिश कैंडल तो दिख रहा होगा, आप यहाँ पे फोकस करें तो आपको जो है यहाँ बुलिश कैंडल दिख रहा होगा। अगर अगले दिन फिर से बुलिश कैंडल के सिनेरियो नज़र आते हैं तो आप इसमें चाहें तो कन्फर्म बाइंग कर सकते हैं, यानी कि जिस अनुसार आगे कोई बुलिश कैंडल नज़र आते जाए आप इसमें और क्वांटिटी ऐड करते जाएँ। लगभग यहाँ पे देखें तो 34 रुपीज़ के बाद एक कन्फर्मेशन के तौर पे बड़ी टारगेट के साथ यानी कि बड़ी क्वांटिटी के साथ स्टॉक को आप बाई करना चाहें तो कर सकते हैं। गाइज खुद की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बस यहाँ पे कंफर्म करा रहा हूँ कुछ डाउट्स, आपको खुद की एनालिसिस के बाद ही आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। मैं आपको कंफर्म रिकमेंड नहीं कर रहा कि हाँ आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आपकी एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, तो खुद के रिस्क लेकर ही आप इसमें इन्वेस्ट करें। चलिए नेक्स्ट स्टॉक को देख लेते हैं। तो गाइज नेक्स्ट स्टॉक आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, देख सकते हैं मैंने आपके सामने जो है स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड का जो है चार्ट आपके सामने लगा रखा है। अगर बात करें इसके आज की सिनेरियो की तो गाइज आज जो है ये -0.59% से आज ये डाउन में ट्रेड करता हुआ बीरिस ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, मैं आपको चार्ट में भी कंफर्म कराऊंगा। फिलहाल अगर गाइज बात करें इसकी मार्केट कैप की तो आप देख सकते हैं 100 करोड़ के ऊपर, जो कि 332 करोड़ की इसकी मार्केट कैप देखने को मिल रही है। और अगर बात करें इसका प्राइस करेंट प्राइस की तो 16.9 का देखने को मिल रहा है, हाई जो इसने बनाया है वो 30.9 का देखने को मिला, और अगर लो की बात करें गाइस तो इसका अनुसार जो लो बन रहा है वो 11.3 का बन रहा है, यानी कि यहाँ पे एक आपको सपोर्ट भी हो सकता है, मैं आपको चार्ट पे भी क्लियर कराऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ा और गाइस अगर देखें इसका स्टॉक पी तो फिलहाल आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा स्टॉक पी, जो कि 63.1 का देखने को मिल रहा है, जो कि मैं आपको थोड़े समय में भी कन्फर्म कराऊंगा इसका पी क्या रहा है, वेट करें। हाँ तो अगर आगे बढ़ेगा इस और देखें इसका बुक वैल्यू तो 3.36 की देखने को मिल रही है, और डिविडेंड भी जो है ये लगभग इस 1% यानी कि 0.90% का ये जो है डिविडेंड आपको प्रोवाइड करा रहा है। और अगर इसको ROCE के देखेगा इस तो यहाँ पे 14.6 की देखने को मिल रही है परसेंटेज, और यहाँ पे ROE देखेगा इस तो 12.5% की परसेंटेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है इसकी, और ये जो है फेस वैल्यू भी 2 रुपये का आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो गाइस कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे स्टॉक हो सकते हैं, मार्केट कैप जो है इसका बिल्ड है, ROCE और ROE भी काफ़ी अच्छी परसेंटेज प्रोवाइड करा रही है, फेस वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है, और डिविडेंड भी स्टॉक आपको प्रोवाइड करा रही है। और साथ ही साथ अगर इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग भी देखें तो 63.8% की है, और साथ में एक बहुत बड़ी गाइस इसकी डेप्थ, तो गाइस ये जो है डेप्थ फ्री स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये स्टॉक आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इन्वेस्टिंग के बाद एक बड़ी प्रॉफिट भी आपको ये दे सकता है। तो गाइस अपनी एनालिसिस के साथ ही आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, मैं जिस अनुसार बता रहा हूँ आपको थोड़ा खुद भी एनालिस करना होगा, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि हाँ आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कंफर्मेशन के बाद ही आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट करें। तो गाइज मैं आपकी कुछ डाउट्स ही सिर्फ कंफर्म करा रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट और रह जाए तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके देखते हैं गाइज प्राइस टू अर्निंग, तो आप देख सकते हैं 63.1 की इसकी प्राइस टू अर्निंग, जो कि गाइस काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही है। अगर इसकी पब्लिक होल्डिंग को देखेगा इस तो 36.2% की पब्लिक होल्डिंग भी देखने को मिल रही है। तो गाइस 50% से ऊपर जो है प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग और यानी कि इस स्टॉक में अपनी पकड़ बना रखी है, 36% की जो है शेयर होल्डिंग ही पब्लिक के पास देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो FIA के पास होल्डिंग जो है इसकी 0 देखने को मिली, और DIA के पास भी अगर इसकी होल्डिंग देखें तो फिलहाल आपकी 0 नज़र आ रही है। तो गाइस कोई इसकी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे पब्लिक भी काफ़ी अच्छी इसमें होल्डिंग कर रखे हैं, और ये जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे गाइस तो ये स्टॉक जो है 5.26 करोड़ की जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको ईयर एंड ईयर आपको देखने को मिला है। तो गाइस काफ़ी अच्छी बात आपके लिए हो सकती है, ईयर में जो है 5 करोड़ की यहाँ पे 5.26 करोड़ की गाइस काम काफ़ी कम नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी यहाँ पे एक प्रॉफिट देखने को मिल रही है। चलिए उसी अनुसार मैं आपको यहाँ पे थोड़ा पी कंफर्म कराता हूँ।
तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं पी रेशियो, जो कि इसका जो अगर बात करें तो 2022 जनवरी में जो है ये 330 इसका पी था और इसका ईपीएस 0.03 का था। उसके बाद अगर थे गाइज तो काफ़ी नीचे तक भी आया है, जो कि इसका अगर पी की बात करें गाइज तो अभी जो इसका पी चल रहा है वो 61.9 का, जो कि काफ़ी अप से डाउन में देखने को मिला। तो गाइज ये कहीं ना कहीं आपके लिए सस्ती स्टॉक हो सकती है इसकी पी के अनुसार, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है पी, लेकिन चार्ट पे आप यहाँ पे क्लियरली कर सकते हैं कि गाइज यहाँ पे 360 का इसका पी, सॉरी गाइज 330 का इसका पी था और अभी जो है 60 का ही मिल रहा है। तो गाइस काफ़ी सस्ती एक तरह से इस स्टॉक के अनुसार यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसका ईपीएस की बात करें गाइस तो यहाँ पे अभी थोड़ा आपको 0.27 जिसके अनुसार प्राइस यहाँ पे थोड़ा डाउन हुआ है, सस्ता हुआ है, तो थोड़ा ईपीएस में आपको कमी देखने को मिल रही है पिछले के अनुसार। तो गाइस आपको यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ईपीएस में भी बढ़ोतरी नज़र आ सकती है, तो फोकस आप फिलहाल बनाए रखें, काफ़ी सस्ती स्टॉक भी नज़र आ रही है। चलिए मैं आपको चार्ट पे थोड़ी कंफर्मेशन कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं आपके सामने जो है वॉल्विक का चार्ट लगा रखा है, बीएससी में ट्रेड करता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है। और गाइज यहाँ पे भी एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, फ्लैग बनती हुई, आप यहाँ पे फोकस करें, आप देख सकते हैं कि ये ऊपर गया था लेकिन यहाँ से फिर मूवमेंट थोड़ा डाउन का आया और यहाँ पे इसने जो है ये ट्रेंड लाइन को टच किया, डाउन आया, फिर से जो है यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिले, ऊपर की तरफ गया थोड़ा, फिर से हल्का डाउन आया और फिर से ये मूवमेंट जो है इधर से क्लियर किया है। आप यहाँ पे फोकस करेगा इस तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ नज़र आया, तो एक बड़ी मूवमेंट आपको इसमें देखने को मिल सकती है, 28, 30 या फिर उससे ज़्यादा का भी एक टारगेट आपको इसमें मिल सकता है, तो आपको यहाँ पे फोकस बनाए रखना होगा, उसके बाद ही आप इसमें कंफर्म बाइंग करें। तो गाइस अगले दिन अगर बुलिश कैंडल आपको दिखता है और फिर से इसी तरह अगर ट्रेड करता हुआ अगले दिन नज़र आता है तो आप इसमें कंफर्म बाइंग कर सकते हैं। कंफर्मेशन के तौर पर गाइस यहाँ पे एक लगभग 18 रुपीज़ का एक रेसिस्टेंस कह सकते हैं अगर इसको ब्रेक करता है तो, गाइस प्राइस एक्शन के अनुसार जो रेसिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे इसको ब्रेक करता है तो कंफर्म बाइंग के तौर पे आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो गाइस खुद के एनालिसिस के साथ ही करें, मैं आपको थोड़ा जो है डाउट्स कन्फर्म करा रहा हूं। तो अगले दिन बुलिश कैंडल अगर फिर से इसी तरह देता है तो गाइस आपको छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ स्टार्टिंग में इंटर करनी चाहिए, जिस अनुसार आपको कन्फर्मेशन क्लियर होता जाए आप इसमें मोर क्वांटिटी और ऐड करते जाएँ। फर्स्ट टारगेट गाइस आप लगभग 22 का एक रखें और अगर ये ब्रेक करता है तो 28 और इसको ब्रेक करता है तो एक नई टारगेट भी आपको इसमें देखने को मिल सकती है। तो गाइस आप फोकस बनाए रखें, सिग्नल काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है क्योंकि काफ़ी डाउन प्राइस था, उसके बाद एक बड़ी मूवमेंट रेगुलर इसमें देखने को मिली और काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन को टच करके और ब्रेक करके निकल रहा है, तो यहाँ से चांसेस आपको मिल सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट रही तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह के स्टॉक्स आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।